हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत के पांचवे पाठ सुभाषित रत्नानी में जो इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ दी गई है उनकी व्याख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। सबसे पहली सूक्ति दी गई है यहाँ पर, न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरः। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। इसके बाद इसकी व्याख्या दी गई है, धैर्यशील लोग न्याय के मार्ग में एक पग भी नहीं हटते हैं, यानी कि एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। न्याय ही धर्म का आधार है, दूसरों का प्राप्य उसे देना और अपना स्वयं लेना ही न्याय है। यहाँ पे प्राप्य का अर्थ है वह जितना प्राप्त करने योग्य है। यदि न्याय का पालन सब लोग करें तो संसार में कभी अशांति ना हो, ना तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच और ना ही राष्ट्र राष्ट्र के बीच। इसके बाद जो व्याख्या है वहाँ पे हाफ व्याख्या लिखी है, इसके बाद आधी व्याख्या यहाँ है। न्यायशीलता की इस महत्व को जानने वाले धर्मनिष्ठ लोग दृढ़ता पूर्वक न्याय के मार्ग पर चलते हैं, फिर चाहे लोक व्यवहार में निपुण लोग अच्छा कहें या बुरा, धन आए या जाए, चाहे मृत्यु का भय ही क्यों ना हो। क्योंकि संसार में अन्यायी और अत्याचारी व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है और वे न्यायी व्यक्ति को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोभ भी दिखा सकते हैं और प्राणों के संकट का भय भी दिखा सकते हैं। यही नहीं, कई बार अपने सगे संबंधी भी न्यायी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह उनके अन्याय का समर्थन ना करके अपने और पराये को सम्बुद्धि से ग्रहण करता है। हर प्रकार हर ओर से बाधाओं और संकटों से घिरने पर कोई अत्यधिक धैर्यवान पुरुष ही न्याय पथ पर अविचल रह सकता है। कम साहसी लोग ना चाहते हुए भी उससे डिग जाते हैं, यानी कि न्याय पथ से हट जाते हैं ना चाहते हुए भी। इसी कारण कवि न्याय मार्ग पर चलने के लिए धैर्य के गुण को सर्वाधिक आवश्यक समझता है। धीर का अर्थ धैर्यशील है, धैर्यशील और साहसी दोनों ही है। वस्तुतः न्याय के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए धैर्य और साहस दोनों की जरूरत होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट सूक्ति है, काव्य शास्त्र निवोदेन कालो गच्छति धीमताम। आपने ध्यान दिया होगा पिछली वीडियो में मैंने यही चीज अवतरण में बताई थी और अब मैं यही चीज सूक्ति में बता रही हूँ। व्याख्या दी गई है इसकी, बुद्धिमानों का समय काव्य व शास्त्रों की चर्चा के आनंद में बीतता है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख लोग समय के महत्व को नहीं समझते हैं, वे अपना समय शराब पीना, जुआ खेलना आदि दुर्व्यसनों में खो देते हैं। लड़ाई झगड़ों में भी उनके समय का दुरुपयोग होता है अथवा शो कर समय को निरर्थक बर्बाद कर देते हैं, किंतु जो बुद्धिमान लोग हैं वे समय को व्यर्थ नहीं खोते हैं। जो समय आवश्यक कार्य से बचता है उसमें भी वे काव्य और शास्त्र पढ़ते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य मनोरंजन भी होता है, साथ ही ज्ञान भी बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट सूक्ति है, यानी कि तीसरी सूक्ति, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसकी व्याख्या है, संसार में अनेक धन है, जैसे सुवर्णादि धन, मुद्रा, गोधन, गजधन, वाजीधन आदि। इन सभी धनों में अनेक दोष हैं, इन्हें चोर चुरा सकता है, कभी राजा द्वारा छीना जा सकता है, भाई बांट सकता है, तथा इनमें भार होने के कारण सुरक्षित रखने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भारी कठिनाई होती है। इनका एक बहुत बड़ा दोष यह है कि यह खर्च करने पर समाप्त हो जाता है, किंतु विद्या धन ऐसा है जिसमें उपयुक्त में से कोई दोष नहीं है। ना तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है और ना ही भाई द्वारा बांटा जा सकता है। इसमें एक बड़ी विशेषता है, वह यह है कि यह खर्च करने पर बढ़ता है। यह विशेषता अन्य किसी भी धन में नहीं है, अतः यह कथन सर्वथा सत्य है कि विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान है, इसलिए कहा गया है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसके बाद नेक्स्ट सूक्ति है चौथी, विरजयत्ता दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसकी व्याख्या है, संसार में सच्चा मित्र मिलना कठिन है। कुछ मित्र तो ऐसे होते हैं जो आमने सामने आने पर मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे वे काम को बिगाड़ते हैं, यानी कि हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, यानी कि ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए। वे उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुंह पर तो दूध दिखाई देता हो किंतु अंदर विष भरा हो। इसके बाद नेक्स्ट सूक्ति है, संपत्तो च विपत्तो च महतामे करूपता। इसकी व्याख्या दी गई है,
जो निम्न कोटि के लोग होते हैं वे थोड़ी सी संपत्ति हो जाने पर घमंड करने लग जाते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आ जाने पर अधीर हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परंतु जो महान पुरुष होते हैं वे लाभ होने पर खुश नहीं होते, हानि होने पर दुखी नहीं होते। राम को राज्य मिला तब भी वैसा ही, वनवास मिला तब भी वैसा ही। सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। वास्तव में जो महान पुरुष होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सूक्ति आती है छठी, वृणुते ही विमृश्य कारणिम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। इस सूक्ति को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जो मैंने नीचे बताया है, या लिख करके अविवेकः परमा पदाम पदम। अगर ये दोनों सूक्तियाँ लिखी हुई आए तो आपको यही एक व्याख्या लिखनी है, चाहे कोई सी भी इन दोनों में से सूक्ति लिखी हुई आ जाए। तो आपको व्याख्या यहाँ दी गई है, मनुष्य को अपना प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए, भला बुरा ना सोचना भारी आपत्तियों का कारण है, यानी आपत्तियों यानी परेशानियों का कारण है। हिंदी कवि गिरधर ने ठीक कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। अतः कार्य विचार पूर्वक ही करना चाहिए। जो मनुष्य सोच विचार कर काम करता है उसे लक्ष्मी स्वयं वरण करती है, यानी कि धन स्वयं वरण करती है, क्योंकि संपत्तियां गुणों की लोभी होती हैं। इसके बाद अगली सूक्ति है, सुखार्थिना कुतो विद्या अथवा कुतो विद्यार्थिना सुखम। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। इसमें विद्या अध्ययन के महत्व को बताते हुए कवि कहता है कि सुख चाहने वाले के लिए विद्या नहीं है। जो सुख चाहता है वह विद्या के निकट नहीं पहुंच पाता है और विद्यार्थी के लिए सुख नहीं होता, क्योंकि सुख चाहने वाला ना मेहनत कर सकता है और ना ही उसका मन एकाग्र होता है, यानी कि उसका मन एक जगह नहीं स्थिर होता। इसलिए कहा गया है कि सुख की इच्छा वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट है, ना खलु वही रूपाधीन प्रत्याह संश्रियंते। इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है, या लगा के मैंने बताया हुआ है, व्यतीश जति पदार्थानांता को अपि हेतु। व्याख्या दी गई है, प्रेम एक पवित्र भावना है जो जोर या दबाव वश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रेम का संबंध भावना से होता है। बाहरी रूप लावण्य को देखकर मनुष्य कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है। रूप लावण्य यानी कि बाहर की सुंदरता को देखकर मनुष्य कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है, परंतु प्रेम स्थायी नहीं हो पाता। अतः प्रेम की उत्पत्ति बाह्य कारणों से ना होकर आंतरिक कारणों से ही होती है। इसके बाद अगली सूक्ति दी गई है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुण्यते घटः। इसकी व्याख्या है, कवि का मानना है कि मनुष्य जन्म से ही धनी अथवा ज्ञानी नहीं होता। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास और अध्ययन से व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति में समय लगता है। ऐसे ही मानव यदि ये चाहे कि वह पलक झपकते ही लखपति हो जाए तो ये संभव तो नहीं है। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है, यानी कि खुद जरूरी है पढ़ना, उसी प्रकार धनी होने के लिए पैसा पैसा एकत्र करना जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सूक्ति पे, सहसा विद्धित न क्रियाम। व्याख्या दी गई है, विद्वान कवि ने कहा है कि किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खता विपत्तियों का परम स्थान है। बिना सोचे समझे काम करने से अनेक प्रकार के संकट उपस्थित होते हैं, इसलिए प्रत्येक काम सोच समझकर ही करना चाहिए। तो ये थे पांचवे पाठ सुभाषित रत्नानी के महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। ये जो भी सूक्तियाँ मैंने अभी बताई हैं, ये इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।